पेट अंदर रहेगा, हिप्स थोड़े ऊपर रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है काफी शानदार और काफी बढ़िया, क्योंकि जो दिवाली पे हमने वेट गेन करा है ना, मैं उसी के बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको। क्योंकि आगे शादी का सीजन आ रहा है, तो उसमें हमें देखो जैसे पेट वेट भर गया, मेरा खुद भर गया दिवाली पे इतना सारा खा के। तो उसी के बारे में तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कैसे बिगिनर्स के लिए मैं वेट लॉस की टिप्स दे सकता हूँ। तो वो चीजें मैं बताता हूँ, कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज अभी मैं ट्रेडमिल करूंगा, जो फैट लॉस होगा उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा अपनी लाइफ स्टाइल में, एक तो अपनी डाइट सही करनी होगी, डाइट के बाद हमें अपनी स्लीपिंग साइकिल सही करनी होगी। तो गाइस जैसे हमें क्रेविंग होगी किसी चीज़ की खाने की, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो हमें चॉकलेट के पूरे पैकेट की क्रेविंग है, तो पूरा पैकेट मत खाओ आप, उसमें से एक या दो पीस खा लो, उसमें क्या होगा कि आपकी क्रेविंग बंद हो जाएगी उससे। तो गाइस फिर हमें क्या करना चाहिए इसके बाद, अपनी स्लीपिंग साइकिल सबसे मेन है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, उसमें अपनी स्लीपिंग साइकिल चेंज करनी चाहिए, जैसे सोने का टाइम, उठने का टाइम, ठीक है। और ये सबसे मेन है इसमें कि सोना टाइम से चाहिए बंदे को। और उसके बाद हमारे आ जाता है डाइट। स्लीपिंग साइकिल में जैसे स्लीपिंग साइकिल बंदे की खराब हो रखी है, तो फिर उसे स्ट्रेस भी आएगा, और वो काम के पर्पज से लेके स्ट्रेस लेगा ना बंदा, तो फिर क्या होगा उसका वेट ना गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक मेन कारण होता है वेट गेन करने का कि बंदे को स्ट्रेस आ रहा है, स्लीपिंग साइकिल खराब हो रखी है। आप देखो जैसे मेरी खुद की स्लीपिंग साइकिल खराब हो रखी है, मैं रात को 5 बजे सो रहा हूँ और मतलब दिन में उठ रहा हूँ, तो देखो मेरा क्या हो रखा है। ये मेरा वेट अभी बढ़ा है दिवाली के आसपास ही, मतलब ये थोड़ा पहले था, इतना नहीं था लेकिन। तो गाइस उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डाइट पे। अब डाइट पे क्या है कि हमने लंच और डिनर में क्या करना चाहिए, जैसे आप 4-4 रोटी खाते हो तो कम कर दो। अब कम कैसे करोगे कि आप 4 रोटी खाते हो तो 3 खाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि एकदम से तो आप बंद नहीं कर पाओगे। अब मैं भी नहीं ये बोल रहा कि आप बंद करो एकदम से, वो हो नहीं पाता यार किसी से भी। तो उसमें क्या है कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। अब जैसे आप ये एक एग्जांपल मान लो कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, जैसे एक 1/2 लीटर की, 1 लीटर की रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो पूरी मत पियो उसको, 1 गिलास कर दो उसका, तो धीरे धीरे वो भी चीजें कम कर दो। तो ऐसे ना क्या होगा कि आपका रूटीन बन जाएगा और ये धीरे धीरे आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे जिम वर्कआउट, देखो एक ये भी होता है मेन कि आपको खाने के बाद थोड़ा वॉक करना चाहिए या जिम जाना चाहिए, ठीक है। बिगिनर्स होते कि नहीं जिम जा पाते, कि बंदे को काम का स्ट्रेस बहुत होता है, ऑफिस से आते हैं जाते हैं तो वो नहीं कर पाते जिम वगैरह। तो क्या करें, खाने के जब खाना खाए रात को या दोपहर में थोड़ी वॉक कर ले, वो भी मोर देन इनफ है उनके लिए। अगर उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस अच्छे होंगे ना, तो वो बहुत सही रहेगा उनके लिए, और वेट उनका गेन नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये है इसमें। और इसमें कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा बहुत वर्कआउट। तो गाइस अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज बताऊंगा, दो एक्सरसाइज बताऊंगा तुम्हें फुल बॉडी वर्कआउट की, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें फैट लॉस करने में इजी रहेगा। तो अभी ये कौन सी एक्सरसाइज है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, आ जाओ। तो गाइस दो एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है और आप फुल बॉडी वर्कआउट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। सबसे पहले करनी है हाई नीज, तो मैं हाई नीज के 3 सेट करने हैं और 30-30 के 3 सेट करने हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, दिखा दो तुम्हें कैसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके 3 सेट करने हैं हमें। और इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज बता देता हूँ फुल बॉडी वर्कआउट वाली, इसको बोलते हैं जंपिंग जैक्स। और इसके भी हमें वही सेम रेपिटेशन करनी है और 30-30 के 3 सेट करने हैं इसके। अगर बंदे का वेट ज्यादा है, ओवर वेट है, लड़का हो चाहे लड़की हो इसमें, और उसके नीज में दिक्कत है, वो जंप नहीं कर सकता, तो हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सेकंड जो मैंने जंपिंग जैक्स बताया था वो भी बहुत सिंपल कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं उसको 1, 2, 3, 4। तो इससे क्या होगा आपके नीज पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इसके बाद में तुम्हें एक्सरसाइज बताता हूँ स्टमक की, एब्स की, तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है ये वाली भी। तो मैट तो सबके पास होता ही है, तो मैट पे करनी है हमें ये एक्सरसाइज, तो चलो आ जाओ करते हैं। तो गाइज ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज यही है माउंटेन क्लाइंबर, और हम इसको करेंगे 3 सेट 15-15 के 3 सेट करेंगे, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वेट लॉस के लिए। अब इसका पोस्टर देख लो, सबसे मेन इसका पोस्टर है, जो हमें उसी पर ध्यान देना है। देखो हिप्स ऊपर रहेंगे, पुशअप्स पोजीशन में बिल्कुल, हाथ ऐसे सीधे रहेंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके 3 सेट करने हैं हम लोगों को, और 15-15 के 3 सेट करने हैं। तो डेली रूटीन में ये वाली एक्सरसाइज है। एक लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा सबसे यूजफुल और सबसे बढ़िया, उसको बोलते हैं प्लैंक। अब वो होगा कैसे, सबसे मेन उसकी पोजीशन ही है, अगर वो आपकी ठीक होगी तो सारा इम्पैक्ट आपके पेट पे आएगा। तो बिगिनर्स नहीं कर पाएंगे इसको ज्यादा प्लैंक को, तो बिगिनर्स के लिए भी मैं बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कि जो बंदे कर रहे हैं ना रेगुलर, उनके लिए बता देता हूँ कि क्या पोजीशन है, कितनी देर के लिए होल्ड करना है। मतलब मैक्सिमम वही आप 15 to 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो,
वो आपके बेस के ऊपर है कि आपका पेट कितनी देर तक आपको होल्ड करने देता है। तो चलो चलते हैं, देखो ये पुशअप पहले तो आपको जो नहीं कर पाता बिगनर्स वो ऐसे होल्ड कर सकते हैं अपना पुशअप पोजिशन में, तो इसमें ईजी रहेगा और वो लोग कर सकते हैं। और जो लोग इसको करते आ रहे हैं वो उसका सही तरीका देख लो कैसे है। पेट अंदर रहेगा, हिप्स थोड़े ऊपर रहेंगे और ये बेस्ट है इसका। और मिनिमम आपको 15 सेकंड तो मिनिमम करना ही है और जिससे ज्यादा भी करना है आपको 1 मिनट तक। तो क्या है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपको अपने डेली रूटीन में अगर आप ले आओगे ना इसको, तो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा। और देखो एक्सरसाइज सब कुछ नहीं होती, सबसे पहले आपके डाइट, स्लीप साइकिल, लाइफस्टाइल, ये सब चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।